नमस्कार, न्यूज NCR में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन के बाद बॉलीवुड शोक में है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का आज सुबह निधन हो गया। दिलीप कुमार ने सुबह 7:30 बजे अपनी आखिरी सांसें ली। सांस लेने में दिक्कत की वजह से उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। सोशल मीडिया पर शोक संदेशों का तांता लग गया है। अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे कई और अभिनेताओं ने दुख जाहिर किया है। दिलीप कुमार के निधन पर संवेदना जाहिर करते हुए अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है। एक्टर ने लिखा, एक संस्था चली गई, भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वह हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी दुआएं और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति, बेहद दुखी। अजय देवगन ने संवेदना प्रकट करते हुए लिखा, दिग्गज के साथ कई पल साझा किए, कुछ बेहद निजी, कुछ मंच पर, फिर भी कुछ भी वास्तव में मुझे उनके निधन के लिए तैयार नहीं किया। एक संस्था, एक टाइमलेस अभिनेता, हार्ट ब्रोकन, सायरा जी के प्रति गहरी संवेदना। अक्षय कुमार ने भी ट्वीट कर संवेदना प्रकट की है। उन्होंने लिखा, दुनिया के लिए कई अन्य हीरो हो सकते हैं, लेकिन हम अभिनेताओं के लिए वह हीरो थे। दिलीप कुमार सर ने भारतीय सिनेमा के एक पूरे युग को अपने साथ ले लिया है। मेरी भावनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति। दिलीप कुमार को भारत सरकार द्वारा कई अवार्ड से नवाजा गया था। दिलीप कुमार को पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा गया था। दिलीप कुमार 2000 से 2006 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। पाकिस्तान ने भी दिलीप कुमार को अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से नवाजा था। आज की खबर में बस इतना ही। देश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 10।